नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। बदनावर विधानसभा से एसकेपी लाइव के लिए रेणु अग्रवाल की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। बदनावर विधानसभा के रानीपुरा छोटे कड़ोत से ग्राउंड रिपोर्ट, चुनावी यात्रा। जब भाजपा के प्रत्याशी भंवर सिंह शेखावत रानीपुरा पहुंचे, तब हमने वहां देखा कि जनता उनसे नाराज है। क्यों नाराज है यह जानने की कोशिश की। नेताजी ने जो वादा किया था वह 5 साल में पूरा नहीं हुआ। नेताजी और जनता के बीच जद्दोजहद हो रही है। देखें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट रेणु अग्रवाल की। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कच्चा पड़ा हुआ है, कैसे पड़ा हुआ है, कौन सा रोड है पहले तो ये बताओ आप। ये नागदा से बामंदा कला वाला। हाँ, तो ये रोड क्यों नहीं बना है? ठेकेदार की गलती के कारण उसने छोड़ दिया बीच में, अधूरा। कितने साल से बन रहा है रोड? 2-3 साल हो गया इसको चलते चलते, अभी तक बना ही नहीं। नहीं बना है। तो आप गांव के लोगों ने कुछ किया है इसके लिए? बोला था गांव वालों ने, फिर पता नहीं क्या विधायक को कहा था, विधायक भी आके चले गए हैं, पर हुआ कुछ? कहीं भी नहीं हुआ। इस पंचायत में कितने काम हुए? ये रोड का ही था मेन, तो वही नहीं हुआ। पानी तो है, पानी की समस्या तो नहीं? नहीं है पानी की समस्या, नहीं है सड़क की समस्या। हाँ, बस सड़क की थी यहाँ, और वही दूर नहीं हुई। हाँ, नाम बताओ। विक्रम सिंह चौहान। कौन सा गांव है? रानीपुरा। नाम बस रानीपुर। अच्छा, आपका नाम क्या है? ममता। अच्छा, यहाँ पे बहुत काम हुए हैं? कुछ काम नहीं हुआ है मैडम। हाँ, क्या काम हुए हैं यहाँ? कुछ भी काम नहीं हुआ। मर दू तो कोई लेटरिन बाथरूम आए के कुछ काम भी नहीं हुआ है। अच्छा, कोई योजना का लाभ मिला आपको? एक कुछ अच्छा भी नहीं मिला। मकान तीन परिवार रह रहे, एक मकान छोटे से मकान में अभी तक। अच्छा, और पानी वानी की क्या समस्या है यहाँ? पानी आने की बहुत समस्या है मैडम। कहाँ से लाती हो पानी, कितने किलोमीटर से? पानी आनी बहुत दूर से लाते हैं, टैंकर से लाते हैं। गाँव वाले आप अभी कह रही थी कि आपको कोई पानी नहीं भरने देता है क्या? गाँव में से पानी नहीं भरता है, कुछ भी हो तो सरकारी वाले एक लगा हुआ है, थोड़ा कम चलता है। अच्छा, गर्मी में हॉल से दौड़ना पड़ता है। और विधायक को कभी देखा अपने इस एरिया में आते हुए? नहीं देखा, कभी नहीं देखा नेताओं को? कभी नहीं देखा, खाली वोट पड़ा जाए इस दिन आ जाता है कि भाई बहनों करते हैं और वापस चले जाते हैं। बोलो कहीं डर, और बच्चा बच्चे भी मजदूरी करके पढ़ा रहे हो। बोलो क्या हुआ? शेखाव जिस दिन जीत के आए थे, हमने खुद ने पार्टी का समर्थन करा था। जिस दिन जीत के हम यहाँ आए थे स्वागत के लिए, तो शेखावत जी ने, मेरे पापा ने बोला था कि सर हमारा गांव रोड के किनारे बसा है, तो शेखावत जी का सवाल क्या था कि हम भी रोड पे बसे हुए हैं क्या करें। तो आपको क्या लाभ नहीं मिल रहा, क्या प्रॉब्लम? कोई कुछ भी नहीं मिल रहा ना, कोई लाभ ही नहीं है। क्या करते हो? पानी की समस्या है, मैं ड्राइविंग करता हूँ। और कोई लाभ नहीं शासन की? कोई शासन से लाभ नहीं हम। क्या नाम है आपका? राजन दायमा। भोपाल से जो सुविधा है हमारे लिए कि लेटरिन बाथरूम के लिए पैसे मिलेंगे, तो हमको कोई लेटरिन बाथरूम के पैसे नहीं मिले अभी तक। कहाँ गए वो पैसे, आज 5 साल में कहाँ गए पैसे? वो ये आपको मिलता ही नहीं है। कौन सा गांव है ये? ये रानीपुरा। कौन? अच्छा, और आपका नाम? कड़क पंचायत से। क्या आपके नाम पे कोई पैसे ही नहीं आए? मंत्री को जाकर पूछो, मंत्री बोले आपके नाम ही नहीं आया, हम कहाँ से दे? आप बीपीएल कार्ड है आपके? बीपीएल कार्ड है हमारे पास, आज से नहीं 20 साल पहले से बीपीएल कार्ड है। उसके बाद भी कोई योजना? कोई योजना नहीं है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है। लेटरिन बाथरूम नहीं है हमारे पास, मकान देखो जो। अच्छा, कभी आपके पास बड़े नेता विधायक आए हैं? कोई भी नहीं आए। तो आज ही आ रहे, तो पहली बार आएंगे? हाँ, पहली बार आ रहे। पहले 5 साल पहले आए थे वोट लेने के लिए, क्या अब आ रहे हैं? उनके पर्सनल काम के लिए आए, तो हमको हमसे कौन मुँह मिलेंगे? हमसे कोई मुँह नहीं मिले, कोई पर्सनल काम के लिए आए। नाम बताए आपका? हमारा विजय दायमा, रानीपुरा। क्या भैया, वोट दोगे? नहीं दोगे? नहीं देना है किसी को। क्यों नहीं देना है? क्या देखे करे, वोट देना है? देखे भी क्या करे, कुछ नहीं देता तो वोट देखे करे क्या? रोड के ऊपर बैठे क्या बोल जाते हैं कि हम सुविधा देंगे आपको, उसके बाद जीतने के बाद कोई नहीं आता है। कितने सदस्य हैं आपके परिवार के जो वोट नहीं देंगे? मेरे सदस्य 7, 14, 21 पूरा मेरा पूरा मोहल्ला ही वोट नहीं देंगे। पूरा रोड इस पट्टी से लगा के उस पर 18 वार्ड 19 वोट नहीं देंगे। देंगे उसी को जो हमारा पहले सुधार करेगा, उसके बाद ही वोट देंगे। सर, हमारे पानी की टंकी और मोटर लग गई कब से? 5 साल पहले से लग गया।
पाँच साल हो गए पढ़ने के लिए करके गए थे आप जब आप आए थे वादा भी करा था पाँच साल बाद करेंगे पानी की टंकी का तुमने वादा किया नहीं होगा फिर आपने नहीं किया मोटर होगा मोटर की बात करो मोटर नहीं आई हमारी तो यूँ बोलो ना मोटर नहीं आई हाँ तो मोटर नहीं आई उसका क्या पानी की टंकी का वादा हाँ पानी टंकी टैंकर रख लिया हमने पर मोटर का क्या हुआ टैंकर तो आया ना हाँ टैंकर आ गया मोटर का क्या हुआ टैंकर आया कि नहीं आया टैंकर तो आया पर पानी हमारे यही नहीं पानी मोटर नहीं है हमारे पास पानी टैंकर टीवी देख के बोल रहे हो टीवी से नहीं हम टीवी से हम टीवी से नहीं सुनो साहब हमने मेरी बात तो सुनो यार हाथ जोड़ के बोले हम टीवी से हमको कोई लेना देना नहीं हम पानी से हमको तो पानी से लेने दे आप ये बताओ कि भैया टैंकर आपको आया कि नहीं मोटर नहीं है ना हमारे पास टैंकर से तो पानी आया मोटर नहीं भरा रही हमारे मोटर मोटर भी लगी नहीं है पानी नहीं हमारे मोटर लगी नहीं पंचायत से पंचायत मोटर से पंचायत लगी जहाँ देखो वहाँ चल रही क्या चल रही आप देखो तीन तीन बार निकाल दिया अभी अभी तीन तीन बार निकाल दिया हमने अरे मोटर चल रही खराब होती है हम किसानों को भी खराब होती है चलता रहता है यहाँ पे आपका मैंने विरोध देखा जनसंपर्क के दौरान ये आपका विरोध है या कुछ काम नहीं हुआ उसका विरोध है ये न तो मेरा विरोध है न किसी काम का विरोध है जो काम इनने मांगा गया वो काम इनको बराबर दिया गया है टैंकर इनके पास है 5,000 लीटर का टैंकर दिया गया है जहाँ से पानी का सोर्स है वहाँ पे मोटरें दो दो दे दी गई हैं पानी का रेगुलर इनको सप्लाई होता है ये चाहते हैं इनके घर घर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था करना वो जो हमारी नल जल योजना उसके तहत हो सकता है ये विरोध विरोध किसी का नहीं है ये चाहते हैं सुविधा इनको जितनी दी गई है उतनी इनके पास पहुंच गई है ज्यादा सुविधा के लिए जो ये मांग कर रहे हैं उसके लिए हम आगे से करेंगे नहीं लोगों का कहना है कि ना तो इनको मतलब जो शरीर आपके सामने ही बात हुई ना जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं मिली अरे मूलभूत की बात में बात हुई शेखावत जी आप चुनाव प्रचार कर रहे हुई नहीं शेखावत जी पानी की समस्या के लिए बोल रहे थे शेखावत जी इनको मिल गया आप इंटीरियर में प्रचार कर रहे हैं ये छोटी मोटी बात है कि हमसे कई काम नहीं हो पाते हमारे जो लोग हैं वो काम नहीं कर पाते हैं उसके बाद बता रहे हैं हाँ नहीं तो आपको कैसा लग रहा है आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं क्या भाजपा के पक्ष में है सब नहीं भाजपा के पक्ष में नहीं भाजपा ही तो काम कर रही है आपने काफी इनके, विकास इनके, किया इनके, है इनके देखिए इसके पहले 10 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ इसी 5 साल में हमने काम किया है और देखिए इतनी समस्याएं थी 80-90% समस्या का समाधान कर दिया आप हमेशा 10% ये पानी की व्यवस्था है आपको बोला ये कांग्रेस की चाल है